प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां बारिश की कमी के चलते लोग परेशान हैं। बाड़मेर की बात कर रहे हैं, जुलाई बीत जाने के बाद भी बारिश की बेरुखी है और इसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। किसानों को डर है कि बारिश नहीं हुई तो अकाल जैसे हालात होंगे और फसलों की बुवाई भी ढंग से नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से किसान अपने मवेशियों के लिए चारा पानी जुटाने के लिए बिंदरों काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। किसानों की क्या हालत है, इसको लेकर NDTV ने उनकी उनके पास पहुंचकर ये ग्राउंड रिपोर्ट की। इस बार बारिश नहीं हुई है तो क्या चिंता जो है किसानों को सता रही है? चिंता तो सर है, मवेशी है, हर साधन संपत्ति, मजदूरी, ये बहुत बड़ा अकाल है जो सबका सामना ही करना पड़ रहा है। अच्छा, समय से बारिश नहीं होती तो इस बार क्या समस्याएं जो किसानों को है वो देखने को मिलती है, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को? अब 99% तो यही है, अकाल की बहुत लेट हो चुका है इसकी वजह से। अच्छा, कहीं कहीं देखने को आया है कि बारिश भी हुई है, लोगों ने खेती भी की है। अभी तक यहाँ नजदीक हमने कभी बारिश कहीं भी सुनी नहीं, पूरे बाड़मेर जिले में। इधर बहुत बढ़िया अकाल की, ये मवेशी गाय है पशु, इसको बहुत भी सारा बहुत महंगा है, राशन सब सारी चीज महंगी हो रही है, अकाल की वजह से सबको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो मवेशी है, जो पशुधन है, वो इस अकाल की स्थिति में बेहद खराब इसकी है। सहायता का सारा करे, और बाकी तो यही है सर। जुलाई बीतने को हो गया है, बारिश तो हुई नहीं अब की बार। इस साल गए साल भी हुई थी, बिल्कुल कम हुई थी, और अब की बार तो बिल्कुल हुई नहीं है। सब जंतु, पशु वगैरह सब पानी वगैरह घास के लिए सब तरस रहे हैं। अच्छा, अमूमन इन दिनों बारिश हो जाती है, बुआई हो जाती है, क्या लगता है इस बार देरी हुई है तो कहीं अकाल का डर तो नहीं सता रहा है? अकाल का डर तो बिल्कुल सता ही रहा है, हो गया, अकाल तो पड़ ही गया लग रहा है। अभी बारिश होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीजन तो बाजी राजरी की सब चली गई। तो कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब बारिश नहीं होती समय पर यहाँ पर? बारिश नहीं होगी तो सब पूरी समस्याएं हैं। गाय पशुओं के लिए सारा बाज भी महंगा है, 800-800 रुपये मण है, 40 किलो आता है मण में, 1000 रुपये में मिलता है, वो भी मिलता नहीं अच्छा। और बाजरा आज भी मान लो 3000 से 1 क्विंटल ऊपर चला गया है, तो सब सामना ही है। तो कितना इलाका है जहां पर बारिश नहीं हुई आपके आसपास अभी? हमारे यहाँ पूरा बाड़मेर मगरा ग्राम पंचायत पूरे में बिल्कुल बारिश तो हुई नहीं है, ना बुआई हुई कहीं। सिर्फ यहाँ ही समस्या है। हाँ, और भी आसपास गांवों में है बारिश, इतनी नहीं हुई है पर्याप्त मात्रा से, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल हुई भी नहीं। जुलाई महीना बीतने को है, अमूमन बाड़मेर जिले में इन दिनों जबरदस्त बारिश होती है और किसान अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। आप जो ये खेत देख रहे हैं, अमूमन इन दिनों में हरियाली से भरपूर होते हैं। यहाँ पर बाजरे और गवार की फसलें जो है वो लहलहानी दिखानी शुरू कर देती है, लेकिन इस बार जुलाई महीना बीतने को है लेकिन अभी तक बारिश के जो है जो छोटी सी बूंदे हैं वो अभी तक नहीं पड़ी है। ऐसे में किसानों में मायूसी है। आप देख रहे हैं कि खेत है जो पूरा सूखा पड़ा है, अभी तक इसमें बुआई नहीं की है। हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहीं इन दिनों अकाल का जो भय है वो तो नहीं सता रहा है। बाबा, जुलाई माह बीतने को आया है। बीत गई जुलाई, तो आज 30 तारीख है। ऊपर वाला रियास राके राके हम तो थक गए हैं, और बरसात हुई नहीं, अकाल साल है, क्या करें हमें। अच्छा, अमूमन देखने को मिलता है कि इन दिनों में कुछ ना कुछ बारिश तो हो ही जाती है, आसपास हरियाली हो जाती है, पशुओं के पहले भी बरसात हो जाती है और इस साल में नहीं हुआ, और भेड़ और बकरी गाय बे भूख मर रही है, प्यास मर रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और कौन पिलावे पानी? मनुष्य को पानी नहीं मिलता तो ढोर को कौन पिलाएगा? इसीलिए हम तो कहते हैं कि भाई बहुत ही दुखी है दुनिया, और क्या करे, ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, ये बाड़मेर का ग्रामीण इलाका है, मगरा क्षेत्र है, तो आसपास के इलाके में आपने अपने सगे संबंधियों से पूछा होगा तो कहाँ कहाँ तक बारिश की? बारिश तो है पीछे वाले गांव में, बाड़मेर से पीछे है थोड़ा, दरूड़ा और मीठड़ी मारूड़ी पथरार, वही हल्की हल्की बारिश है, ज्यादा बारिश नहीं है। बारिश ज्यादा होती गऊ के लिए घास फूस हो जाता, हरियाली होती, गर्मी कम पड़ जाती, तो वो है ही नहीं, तो क्या करें हम। अच्छा, मवेशियों के लिए तो ज्यादातर जो है चारे की जो है वो समस्या आती है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ शिविर विवर राहत शिविर शुरू की गए? सरकार के लिए कुछ नहीं है, कोई शिविर है नहीं, कोई पानी की व्यवस्था है नहीं, कोई दूसरा कुछ है नहीं, कोई देखते ही नहीं है। ढोर डांगर मरते तो गांव वाले जाते, उस जाके खड़ा करता है, उसको उठाता है, पानी पिलाता है, सारा गाँव से ला के खिलाता है, ऐसी हाल है हमारी तो। अच्छा, इन दिनों जो पहले बारिश होती है तब बाजरे की खेती यहाँ होती है, ग्वार की होती है, तो अब यदि बारिश होती है
तो फिर आप कौन सी फसल है जो बोएंगे, क्योंकि बाजरे की सीजन तो अब रही नहीं? अब तो मूंग है, ग्वार है, बाट है, तिल है, ये होगा। बाजरा थोड़ा बहुत कोई बाएगा तो गाय के लिए, डांगर के लिए सारा हो जाएगा थोड़ा बहुत। फसल जा रही है, अभी ये तो बीत गया समय, फसल जाने के बाद में तो हर आप मौसम पे ही होता है ना। तो जो ये तो भाई जुलाई जा रही है, जुलाई खत्म हो गई आज 30 तारीख, कल 31 है, तो फिर भी तो जा रही है मौसम, तो क्या करें, जो को बाएंगे, बरसात हो जाए ऊपर वाले की है, नहीं तो गवर्नमेंट कोई सहायता करे तो। ये पशु ढोर डांगर बाबड़ा मर रहा है, इसीलिए कोई करते होंगे तो उसको धन्यवाद, नहीं करे उसको धन्यवाद। अच्छा काका, आप मवेशियों के ऊपर निर्भर है ज्यादातर, आप पशुपालन के ऊपर निर्भर है, तो ऐसे में यदि अकाल पड़ता है तो फिर कहाँ जाते हैं पशुपालन लेकर? लेकर जाते हैं देश में को घूमने के लिए, जो को किधर ही मिलेगा किधर ही नहीं मिलेगा, ऐसे बमाते हैं, दूसरा क्या करते हैं। अच्छा, आपके पास बकरियां है? बकरियां हैं, भेड़ है, 100-150 है, जीव है, पर वो बरसात हुई नहीं, भूखे मरता है। जब ले जाता है किधर किधर घूमते घूमते, कोई थक के जाते हैं, कोई रहते हैं, कोई ऐसे करना। अच्छा, अकाल की स्थिति में फिर कैसे मैनेज करते हैं, चारा पानी है उनके लिए? सारा पानी अकाल सा नहीं होता है, जब ले जाता है दूर गुजरात जाता है, क्या हरियाणा में जाता है, उधर जाए में पालन पोषण कर सके। अच्छा, बिना बारिश के हाल बेहाल है? हाँ, बिना बारिश भी कई हवाल गणाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये किसान है, इनका साफ तौर से कहना है कि अभी तक जो बारिश है वो नहीं हुई है, ऐसे में जो अकाल की जो चिंता है, जो साया है, वो इनके ऊपर मंडरा रहा है, ऐसे में समय पर बारिश नहीं होती तो इन्हें यहाँ से पशुपालन लेकर पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। राजू माली, NDTV राजस्थान, बाड़मेर।